अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इन्वर्जन डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन होती क्या है, इन्वर्जन में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और उसके अलावा कुछ रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक जो जर्नल सा भी कोई सा भी सेंटेंस है ना, हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। नॉर्मल सा कोई सा भी सेंटेंस, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि दैट ही प्लेज क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लाइक ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। लाइक वर्ब डिड ही प्ले क्रिकेट, अब इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है तो वो पहले आ गया। तो वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये पहले तो आप थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रक्चर जहन में रखें, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा ना तो फिर आपको इन्वर्जन जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं इन्वर्जन को और उसको कंपेयर करते हैं विद अ सिंपल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके साथ। अब इन्वर्जन पहले तो देख लें कि उसका इस्तेमाल क्या है, वो हम क्यों यूज करते हैं। इन्वर्जन इज बेसिकली यूज फॉर द स्पेशल इफेक्ट इन एम्फेसिस। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर नोट डाउन किया है कि दैट आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल रोज, कि मैंने इससे खूबसूरत गुलाब का फूल जो है वो आज तक नहीं देखा, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस था। अब अगर मैंने इसमें इन्वर्जन इंट्रोड्यूस करानी है तो मैं क्या करूंगी कि मैं जो वर्ब होगा उसको पहले ले जाऊंगी फ्रॉम अ सब्जेक्ट। तो जब वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होगी कि जो सेंटेंस है वो इन्वर्ट हो गया। अब जैसे इसी सेंटेंस को जब हमने इन्वर्ट किया तो क्या उसका लाइक अल्टीमेट जो सीक्वेंस है वो क्या बना, नेवर हैव आई एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल रोज। अब इसमें देखो कि पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब क्या आ गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आपका एंड पे है, जैसे यहाँ पर भी रोज है और यहाँ पर भी रोज है। तो आपने इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करना है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। फिर उसके बाद अभी आप फर्दर लाइक रूल्स में पढ़ेंगे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वर्ड वर्ड, अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस सेंटेंस में इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर ही अप्लाई करना है। उन्हीं इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर नेवर भी है। लाइक अगर आपके पास कोई सा भी सेंटेंस है ना और उसके स्टार्ट में नेवर आ जाता है, तो आपने इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैंने जो है ना फिर नेवर के बाद इन्वर्टेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही यूज करना है। और इन्वर्टेड सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या आता है कि पहले वर्ब आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और जो वर्ब है वो क्या होगा, वर्ब फॉर एग्जाम्पल हैव है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना वो आए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी हम कुछ बेसिक रूल ऑफ इन्वर्जन डिस्कस करेंगे और उसके बाद देन वील कंटिन्यू फर्दर। अब जो रूल नंबर वन है हम वो डिस्कस करने लगे हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो आपका रूल नंबर वन ये कहता है कि आप कंडीशनल का जो कंडीशनल सेंटेंस यूजुअली होता है ना, आप उसके अंदर भी इन्वर्जन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आपको उसके लिए यूजली जो है ना, मैं यहाँ पे थर्ड कंडीशनल ही की बात की है, तो पहले आप थोड़ा सा थर्ड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लें ताकि आपके लिए फिर आसानी रहे इस तरह से, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशनल होता है ना, उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि पहले तो आपके दो क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। एक तो इफ वाला क्लॉज होता है और एक दूसरे वाला क्लॉज होता है। अब जैसे ये जो कोमा से पहले वाला ना, ये यूजली इफ क्लॉज होता है। वैसे ये वाली दोनों एग्जाम्पल्स थर्ड कंडीशनल की नहीं है, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जब आपने थर्ड कंडीशनल को इन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि जो लाइक कोमा से पहले वाला होता है वो आपका इफ क्लॉज होता है, और जो कोमा के बाद वाला होता है वो आपका दूसरा क्लॉज होता है। अब जो पहले वाला क्लॉज होता है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि दैट पहले आपके पास इफ आएगा, ठीक है, उसके साथ फिर आपकी हेड आ जाएगी, या फिर जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हेड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और वो थर्ड फॉर्म ही है, यू नो, हैज होता है और उसके बाद फिर हैव होता है और उसके बाद हेड होता है। तो ये चीज होगी, तो पहले क्लॉज में आपने इफ ऐड किया और फिर आपने हैड ऐड कर दिया। और जो दूसरे वाला क्लॉज है ना, उसके अंदर आप जो है ना वो वुड हैव ऐड करते हो, या फिर आप कुड हैव ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल का। एक ना अगर आपने कंडीशनल को इन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले तो आपको जब कंडीशनल का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा ना, तो फिर आपके लिए इन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। इन्वर्ट आपने ऐसे करना है कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले वाले क्लॉज में आपके पास इफ होना चाहिए, तो अब उस इफ को आपने हटाना है और उसकी जगह जो आपका हेड था ना उसको आपने प्लेस कर देना है। पहले आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेंटेंस है जो पहले वाला है, इसका नॉर्मल कंडीशनल अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं इस तरह से बोलती कि दैट इफ इट हैड बीन समवन एल्स आई कुड इजीली हैव बंगल्ड 10 रुपीज, ठीक है। तो लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। तो जब आपने इसको इन्वर्ट किया तो मैंने इसमें से इफ वाला फैक्टर निकाला, इफ वाले फैक्टर की जगह मैंने क्या प्लेस किया, हैड प्लेस किया,
और उसके बाद फिर जो है ना बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहा। तो इन्वर्जन किस तरह से हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि इन्वर्जन किस तरह से पूरे रूल में जो है ना वो कंडीशनल थर्ड कंडीशनल में अप्लाई हो रही है। हैड इट बीन समवन एल्स आई कुड इजीली हैव बैंगल्ड 10 रुपीज। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अब ये जो है ना पूरी नहीं है ठीक है, इसके आगे आपको दूसरा क्लॉज भी ऐड करना था लेकिन अभी चूंकि रेलिवेंट हमारी यही है तो इस वजह से मैंने इतना सही कोट किया है। हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंडीशनल ऑल्सो हटा देती और मैं कुछ इस तरह से बनाती इसका कंडीशनल, इफ यू हैड बीन ब्लेस्ड विद डॉटर, ठीक है, तो यू वुड हैव नोन इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस को आगे जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बस जो पॉइंट इसमें आपने नोट करना है वो ये नोट करना है कि देखें यहाँ पे अगर इफ आना था तो इफ की जगह मैंने अब हैड ऐड किया है और हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद द डॉटर, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है ना वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ चला गया। अब हम अपना नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कोट कहता है? रूल नंबर टू ये कोट कहता है कि अगर आपके पास कुछ एक्सक्लेमेशन आ जाती है ना सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद आपने इन्वर्जन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है। अब एक्सक्लेमेशन जैसे मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है हियर एंड देयर, अब आप ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं आप इनको देख लें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। जैसे अगर आप पहले वाली एग्जाम्पल देख रहे हैं ना तो उसके अंदर है हियर, हियर इट कम्स द बस। अब हियर आ गया, हियर मैंने जैसे बोला कि एक एक्सक्लेमेशन है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो है ना वर्ब पहले अटैच करना है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट अटैच करना है। जैसे अगर आप बात करो कम्स की तो कम्स क्या है, कम्स इस एग्जाम्पल में एक वर्ब है, और बस क्या है, बस इस एग्जाम्पल में जो है ना वो सब्जेक्ट है। तो हियर के बाद आपने क्या यूज किया, इट कम्स द बस। अगली चीज जो आपने देखनी है वो ये है देयर कम द बसेस, ठीक है। अब इसमें चूंकि अभी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना वो इनिशियली पढ़ के आए हैं तो आपको यहाँ पे वो वाली चीज भी मैं थोड़ी सी इंडिकेट कर दूं कि पहले वाले में देखो कि सिंगुलर बस था तो उसके साथ आपने जो है ना वो सिंगुलर वर्ब यूज किया था जो कि कम्स था एस के साथ, और दूसरे वाले में देखो कि प्लूरल बसेस था तो उसके साथ आपको फिर प्लूरल जो है ना वो वर्ब यूज करना पड़ा जो कि होता है बिना एस के। तो बहरहाल ये एक साइड नोट था, अब वापिस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने बोलना है कि दैट देयर कम द बसेस, ठीक है। तो अब देयर आ गया तो देयर के बाद आपने क्या यूज किया कि पहले आपने वर्ब अपना यूज कर लिया सेंटेंस के अंदर और उसके बाद आपने क्या यूज कर लिया, उसके बाद आपने बसेस यूज कर लिया जो कि आपका सब्जेक्ट था। तो ये आपका बेसिक रूल नंबर टू है जो कि आपने याद रखना है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी जो रूल्स होंगे, बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।